हेलो बच्चों, बोर्डा भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है कि झारखंड बोर्ड परीक्षा अपडेट है कि कड़ी निगरानी में आपकी परीक्षाएं होंगी। पूरा अपडेट दिखाऊंगा कि क्या अपडेट आया हुआ है धनबाद संवाददाता की तरफ से। तो कड़ी निगरानी में आपकी परीक्षा होने जा रही है 10th और 12th का। तो एग्जाम आप लोग को डेट पता है कि 14 मार्च से शुरू है, जिसमें से आप लोग का 20 मार्च से पहला एग्जाम आप लोग का क्लास 10th का है। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि आप लोग याद रखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि CUET का परीक्षा आप लोग जरूर दे दीजिएगा, जो भी क्लास 12th में है। क्लास 12th वाले बच्चे इसको जरूर भर दीजिएगा। मैंने बता दिया कि कैसे भरना है और कहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं, तो वो वाला वीडियो आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में दिख जाएगा। ये वीडियो आप लोग देखोगे ना तो लास्ट में यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख जाएगा, तो वो जरूर देख लेना। और इसके अलावा आप लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन खोजते हो कि कहाँ पर मिलेगा, तो मॉडल पेपर का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वो प्लेलिस्ट भी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया, उसका PDF भी मैंने दिलवाया, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। और साथ ही साथ मॉडल पेपर सॉल्यूशन आप लोग साथ में जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का है मॉडल पेपर। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अभी मैं अपडेट पूरा दूंगा लेकिन ध्यान से सुन लीजिए कि इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा मॉडल पेपर, उसके बाद फिर आप लोग को गेस पेपर, ये दोनों करके जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग को कर लेना। मॉडल पेपर का सोल्यूशन PDF के साथ हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो पहले मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप हमारे साथ कर ले, उसके बाद गेस पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो क्लास 10th और 12th वाले बच्चे ये ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पर। ठीक है, ये देखिए क्या अपडेट आ रहा है धनबाद संवाददाता की तरफ से कि DC संदीप सिंह ने कहा है कि 14 मार्च से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही है मैट्रिक व इंटर की, तैयारी अच्छे से कर लें। वो बोल रहे हैं कि तैयारी अच्छे से कर लें, 0 एरर के साथ परीक्षा कार्य संपादित करेंगे, मतलब कि कोई तरह का कोताही नहीं बरता जाएगा, जो भी गलती होगी उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। 0 एरर मतलब कोई तरह का यहाँ पे दिक्कत मतलब कि छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छे से निगरानी में किया जाएगा, किसी को चोरी करने का मतलब कि मौका नहीं दिया जाएगा। वज्रगिरी जहाँ प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है, उसको वज्रगिरी बोलते हैं, किसी तरह की कोताही नहीं होगी। सभी CCTV की निगरानी में प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं और मार्कशीट को रखना है, इसे सुनिश्चित कर लेंगे। DC सोमवार को शहर के न्यू टाउन हॉल में केंद्राधीक्षकों, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे कि इस तरह से आप लोग का निगरानी में लिया जाएगा परीक्षा। ठीक है, उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं, बिजली प्राप्त, रोशनी, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था होगी ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दंडाधिकारी व अन्य अधिकारी वीक्षक समेत अन्य परीक्षा केंद्रों में 1 घंटे पहले पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, सभी को 1 घंटा पहले आना है। इन सभी को जो भी आपको देखेंगे गार्ड करेंगे। BDO और CEO सभी परीक्षा केंद्रों का स्वयं निरीक्षण कर स्वयं का व्यवस्था का जायजा लेंगे, तो ये सभी घूमते रहेंगे इधर से उधर। ठीक है, DC ने कहा कि जैक से जारी परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका को अच्छे से पढ़ लें आप लोग, गाइडलाइन के अनुरूप ही परीक्षा का संचालन करना है, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो, छोटे मोटे सभी कार्य को वर्कआउट कर लें। और देखिए क्या है कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया कि संबंधित दिया। ठीक है, संबंधित क्या बोल रहा है कि एकदम सही से आप लोगों को कदाचार मतलब कि जो भी कदाचार होता है कि परीक्षा में चोरी होगा या बहस होगा, वो सारा चीज यहां पर नहीं होने वाला है, किसी भी तरह का बहस नहीं सुना जाएगा। परीक्षा संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया। ठीक है, संबंधित थाना प्रभारी अलर्ट मोड पर रहेंगे, जो भी थाना प्रभारी हैं। DEO भूतनाथ रजवार ने बताया कि जिले में मैट्रिक परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, 28,794 और इंटर के परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, 26,334। ठीक है, और परीक्षा में 103 केंद्र व इंटर के लिए 88 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा संचालन संबंधी किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से संपर्क करेंगे। मंच संचालन घनश्याम दुबे ने करते हुए केंद्राधीक्षकों के कर्तव्यों पर चर्चा की। मौके पर निदेशक DRDA मुमताज अली अहमद, DSDO ये सभी चीज यहाँ वहाँ पे वह सभी क्या थे, उपस्थित थे। देख लीजिए, यही अपडेट है। ठीक है, मौजूद थे ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है कि आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही कोताही नहीं बरता जाएगा। आप लोग लगभग 50,000 बच्चे से ज़्यादा हैं, 56,000 बच्चे हैं, तो आप लोग ध्यान से एग्ज़ाम दीजिएगा, किसी भी तरह का मतलब कोशिश नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि सारा चीज़ करके जाए। मॉडल पेपर मैंने बता दिया कि सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा, और जो CUET का एग्ज़ाम में जरूर आप लोग भर दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग को बहुत अफसोस होगा। वो कैसे भरना वो यहाँ पर दिख रहा होगा चैनल में, और यहाँ पर आपको मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। तो मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट यहाँ क्लास 12th का और 10th का दोनों का दिख रहा है, तो आप लोग मॉडल पेपर सारे सॉल्यूशन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम से भी मुझे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, कोई और वीडियो जब भी अपडेट आएगा यहाँ पे अपडेट मिलते रहेगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद।